क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले तो ये देखना है हमने हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है इसकी। यस प्रॉपर फॉर्म है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है और नीचे पावर 4 आ रही है। तो अब हम इसको करते हैं नीचे वाले के, अगर देखते हैं हमारे पास फैक्टर बनते हैं, फैक्टर बना के देखते हैं, अगर तो फैक्टर बनते होंगे तो हम बनाते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही प्रोसीड करेंगे अगर इसके फैक्टर ना बनते हों। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने इधर से कर लिया x की पावर 4 है, x की पावर 2 प्लस 1, ये हमारे पास नीचे टर्म आ रही थी इधर। तो इधर हमारे पास हमने किया x की पावर 4, इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है इनका। इसको ब्रेड स्क्वायर बनाने के लिए इधर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमने एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से एक ऐड भी कर दिया, एक माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर। जब वो एक्स स्क्वायर ऐड किया तो ये बन गया 2x² और एक एक्स स्क्वायर माइनस हो गया ये। तो इतनी वाली टर्म जो हमारे पास वो बन गई, हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक दफा ए प्लस बी, एक दफा ए माइनस बी। ये क्या हो गया, पता नहीं सर किसी की आवाज आई है। चले सही है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये वाली इसकी टर्म्स हमने पुट कर दी, ये वाली दो फैक्टर्स इसके जो बने हैं। अब ये फैक्टर हमने नेक्स्ट आगे इसको लिखना है उस फॉर्म में। आपको पता है ये फैक्टर हमारे पास सिंगल वेरिएबल में नहीं है, मतलब लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसको हमने लिखना है कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में ना, हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं बने इसके। तो इसका हमने लिखा ए एक्स प्लस बी, उसके नीचे एक दफा ये लिख दिया। फिर इसी तरह ये भी फैक्टर हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसको भी हमने लिख दिया सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर वही काम, इस पूरे से ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला पोर्शन आएगा इधर, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पोर्शन आ गया। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर, अब ए एक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई टर्म हमारे पास, बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। लहदा लहदा मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने इक्वेशन इक्वेट करनी है, क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर तो इधर था ही नहीं जिसे हम मतलब वैल्यू निकाल के ए या बी या सी या डी किसी एक की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसे में हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं था। तो इधर से हमने क्या किया, सारे जो कोफिशियंट थे ना एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट के, वो सारे कोफिशियंट हमने कंपेयर किए। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है, इधर 0, वो आ गया 0। इधर एक्स क्यूब का कोफिशियंट है ए आ रहा है और इसमें एक्स क्यूब आ रहा है, दो में आ रहा है, ए प्लस सी आ गया इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास इधर से तो हमारे पास डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं ना ए और सी की वैल्यू भी, ए की ए इक्वल टू माइनस सी, मतलब अगर ए की वैल्यू आ जाती है सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, या सी की वैल्यू आती है तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो दूसरा हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कंपेयर किए, एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशियंट कितना है 1, ये लगा दिया हमने 1, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है माइनस ए, इधर है प्लस बी, इसमें है सी और इसमें है डी, क्योंकि सब में आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास जो है एक्स का कोफिशियंट इस साइड पे है माइनस 2, तो इस साइड पे एक्स का ए आ जाएगा, इधर से एक्स का कोफिशियंट माइनस 1, बी के साथ मल्टीप्लाई का माइनस बी, सी का सी आ गया और इसका डी का डी आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो जो लास्ट वन है, लास्ट वन में हमारे पास हमने देखना था कोफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट जिसके साथ एक्स ना होता, वो है इधर 3, ये आ गया 3। अब इसमें सबके साथ एक्स है, ए किसी के साथ भी नहीं आएगा, इसमें बी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक बी आ जाएगा, और जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी है हमारे पास 1, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब हमारे पास ये आ जाएगा डी। तो अब हमने ऐसे देखना है कि इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी पड़ी है ना, इन इक्वेशंस को हमने ऐसे सॉल्व करना है कि मतलब कोई भी
दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे पास किसी ना किसी एक का आंसर आ जाए, एक का आंसर आ गया तो उसको ही हम प्रोसीड करते जाएंगे, वही मुख्तलिफ क्वेश्चन में इन्हीं चार ही क्वेश्चन में पुट करके हम आंसर फाइंड आउट करते जाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन थी, क्लास जारी है, और ये हमारे पास आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड है और फोर्थ है। फर्स्ट तो हमारे पास वो इनिशियल थी, तो इसको हमने दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से कैंसिल, सी सी से कैंसिल, बी और डी रह गया, बी और डी इसमें भी आ रहा है, तो बी माइनस डी इसको हम छठी क्वेश्चन कह देंगे, ये कह दिया हमने। तो इधर से हमारे पास अब नेक्स्ट क्या बन गया, बी माइनस डी, ये वाली बन गई हमारे पास, और इधर बी प्लस डी है। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें, फाइव और सिक्स को, डी डी से कैंसिल हो गया, इधर से बी की वैल्यू आ गई फाइव ओवर टू। आपने सबसे पहली पढ़ी हुई है ए प्लस बी, उसमें क्या था इक्वल टू जीरो, इधर से बी की वैल्यू फिर क्या, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव ओवर टू, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जब पुट करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, आपके पास इन दोनों में पुट कर दें, बल्कि इन दोनों में पुट करने के बाद आपके पास सी और डी की रह जाएंगी, उन दोनों क्वेश्चंस को आप सिंपली सॉल्व करेंगे इसी तरह सब्ट्रैक्ट। या ये देखें नीचे, ये तो बी की वैल्यू आ गई, ये हमने थर्ड में पुट की, थर्ड में पुट करने के सॉरी फिफ्थ में पुट की, फिफ्थ में तीन थी ना वैल्यू बी और बी प्लस डी, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, उसमें डी की वैल्यू भी आ गई, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। यस सर, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, क्योंकि चैप्टर अगली एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस में है ही नहीं है। ओके हो गया। चलें जी, अब अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे हम, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो दो तीन दिन लगा के हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट इंशाल्लाह वाइंड अप कर देना। एग्जांपल ही है सर इसकी, बस किसकी, वो तो ही मतलब अगली एक्सरसाइज की बस एक एग्जांपल है, बाकी क्वेश्चन कोई नहीं है। सही हो गया, चलें इसका बताएं मुझे सर। इसका जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1-2 और दरमियान से सर पहले प्रॉपर्टीज 2 की पढ़ाएंगे ना आप। हाँ वही है, ये तो है सारा तकरीबन, काफी है। ओके हो गया, तो अब देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले तो आपको जब क्लास मैंने स्टार्ट की थी शायद याद हो आपको, मैंने नंबर्स लिखवाए थे सारे के सारे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, याद है कि नहीं? ये हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं ऑनवर्ड चलते जाते हैं, होल नंबर जिसमें 0 भी आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1, इसको जेड क्यों कहते हैं पता है, बताया था मैंने आपको, जैसे ये एन नेचुरल है, डब्ल्यू होल है, और ये जेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वर्ड है जहलन, लैटिन वर्ड है, तो उस वजह से इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाए, या फिर आपको पता है अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और आपको पता था इसमें हमारे पास आती हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली, जिसमें रिपीट होता है, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, टर्मिनेट 0.5,
और इसी तरह अगर हमारे पास 1 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो बनता है 0.3333 अप टू सो ऑन, मतलब रेपिटेशन हो शुरू हो जाती है। और इसी तरह ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं और इसमें हमारे पास अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना बने, और इसी तरह ये नॉन रिपीटिंग हो और नॉन ही रिकरिंग हो। फिर उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर था, सेट ऑफ रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों का सम। फिर एट द एंड हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें आपको पता है एक हिस्सा उसका होता है रियल पार्ट और एक हिस्सा होता है उसका इमेजिनरी। ये आगे उन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट उसका दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये कंसेप्ट आपको पहले दिया हुआ है। और पाई इसमें आपको, पाई का भी आपको बताया था, पाई एक हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें जो वैल्यू होती है हमारे पास पाई की वो हम लिखते हैं नॉर्मली 22/7, वो हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, एग्जैक्टली नहीं होती। इसका आंसर इधर भी लिखा होगा इन्होंने। और 22/7 हमारे पास ये देखिए अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है, तो जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 3.1415 ऐसे। 22/7 हमारे पास होती है 3.1428, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब बस पहले तीन डिजिट्स इनके आपस में मिलते हैं। अच्छा हाफिज साहब इसमें एग्जांपल है इसकी, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, काफी दफा पेपर में आई है। यस सर इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल इसमें दूसरी तीसरी कौन कौन सी है? वो वाली जो सर आप कह रहे हैं ना इरेशनल वाली, उनको तीनों तो नहीं है। या आप किसी बच्चे से कंफर्म भी कर लें वैसे, बट मेरे हिसाब में नहीं है क्योंकि जो मैंने निशान लगाए हैं इसकी। फिर एग्जांपल आती है एग्जांपल नंबर 6, वही है एक्सरसाइज 1.1 में से। तो एक्सरसाइज ही इसकी एग्जांपल 6 है, प्रॉपर्टीज। हां एग्जांपल 6 का तो है और प्रॉपर्टीज है, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एंड बाइनरी ऑपरेशन। हां जी सर, हां ठीक हो गया। अच्छा भी इसमें एडिशन ला तरतीब वाइज ही हम देखते जाते हैं। आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी, ग्रुप जब फॉर्म बनता है ना वो हमारे पास बनता है चार प्रॉपर्टी हैं जब उसमें हो, फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन आइडेंटिटी, फोर्थ वन इनवर्ड्स। ये चार प्रॉपर्टीज अगर किसी भी इसमें सेट में होंगी उस सेट को हम कहेंगे ये सेट हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में बनता है, ग्रुप की फॉर्म उसमें होल्ड करती है। वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, वो ग्रुप अंडर एडिशन भी हो सकता है। अब ये देखें एडिशन ला क्लोजर ला, कोई भी कहता है लेट सपोज जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, उनमें कोई से भी दो नंबर आप ऐड करें तो आपका आंसर उसी सेट में रहे। फॉर एग्जांपल आप ऐड करो 1 में 2 ऐड करो आंसर 3, 5 में 3 ऐड करो आंसर 8, उसी सेट में आ रहा है। मतलब उसमें ऐड करते जाएं तो आंसर भी है वो उसी सेट में हो। ए और बी जो है हमारे पास, जैसे इसने लिखा ए और बी हमारे पास बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो उन दोनों की एडिशन भी क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर में ही रहेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी हमारे पास, उनकी एडिशन भी वहीं रहेगी हमारे पास। तो इसी तरह जब इनकी हमारे पास हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, सेट ऑफ जो क्लोजर होता है वो दो पे एडिशन की होती है, जो एसोसिएटिव होता है वो हमारे पास होता है 3 पे। ए प्लस मतलब 1+2+3, तो इधर आप ऐसे लिख लें 1+2+3, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आएंगी इक्वल आएंगी, तो
ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ. एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है कि हम एडिशन में एक वैल्यू में क्या ऐड करें कि उसका आंसर में कोई फर्क ना पड़े. तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास जीरो. ए में जीरो ऐड करें तो आंसर ए, सेवन में जीरो ऐड करें आंसर सेवन, माइनस नाइन में जीरो ऐड करें माइनस नाइन. ठीक हो गया ना. एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो होती है. एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है वन. उसमें आता है ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर वन ही रहे, वो वन के साथ होता है. तो जो इसका आगे आती है हमारे पास एडिटिव इनवर्स. इनवर्स अब ये थोड़ा सा इनमें ना आपने याद रखना है, इसमें क्या ऐड करें कि आंसर ए ही रहे, इसको इसमें क्या आंसर मतलब ऐड करें कि उसका जवाब जीरो बन जाए. उसमें जीरो ऐड करते हैं तो उसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसमें हमने इसका इनवर्स हमने क्या ऐड करें तो उसका आंसर जीरो बने. तो अब ये देखें, अगर हमारे पास सेवन है तो सेवन में हम क्या ऐड करेंगे तो उसका आंसर जीरो बने, वो हम माइनस सेवन ऐड करेंगे. तो ये देखो, ए में हमने माइनस ए ऐड करेंगे तो जीरो, या माइनस ए अगर इधर हमें के माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है तो हम कहेंगे उसका एडिटिव इनवर्स है सेवन. उसके साथ अगर वो कहता है माइनस वन ओवर सेवन का एडिटिव इनवर्स क्या है तो हमने ये नहीं करना प्लस सेवन, हमने लिखना है उसका एडिटिव इनवर्स है वन ओवर सेवन, जस्ट उसका साइन चेंज करना. और कमोडेटिव लॉ, कमोडेटिव लॉ जब कमोडेटिव, ये चार प्रॉपर्टियां इधर तक आ गई तो इधर तक हम उसको कहते हैं ये ग्रुप है. ये दूसरे चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा. और फिर कमोडेटिव लॉ, कमोडेटिव लॉ ये चार प्रॉपर्टियां ग्रुप कहलाती हैं. अगर पांचवी प्रॉपर्टी कमोडेटिव लॉ आ जाए, ए में बी जमा करें, बी में ए जमा करें, मतलब कहता है दो जमा तीन, तीन जमा दो आपस में बराबर होंगे, तो उसमें कमोडेटिव लॉ होल्ड करेगा. अब कमोडेटिव लॉ अगर ये चार प्रॉपर्टी के अलावा अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहना तो हमने ग्रुप ही है लेकिन इस ग्रुप का नाम चेंज हो जाना है. इस ग्रुप को हम बोलेंगे अबिलियन ग्रुप. ठीक है ना. ये हमारे पास आ गई. अगर चार प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं तो पांचवी प्रॉपर्टी भी हमारे पास आ जाती है कमोडेटिव लॉ. ग्रुप होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए? चार प्रॉपर्टीज. सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन एसोसिएटिव, थर्ड वन आइडेंटिटी, फोर्थ वन इनवर्स. अगर ये चार प्रॉपर्टी हैं तो ग्रुप है. आगे ग्रुप की टाइप्स हैं, मतलब उसके नाम, मतलब अगर कोई उसमें कोई नई चीज आ जाए, जैसे ये कमोडेटिव लॉ आया है हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप. और इसमें थोड़ा सा ना मैं आपको एक मिनट इसमें दिखाता हूँ. ये हमारे पास बेसिकली होता है ऊपर ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास चार. सबसे पहले क्लोजर, सेकंड वन एसोसिएटेड, थर्ड वन आइडेंटिटी, फोर्थ वन इनवर्स. ठीक हो गया. अगर ये चार प्रॉपर्टी किसी भी सेट में है तो उसको हम कहेंगे ग्रुप है. वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो अंडर एडिशन हो सकता है, वो बाइनरी ऑपरेशन हमने चेक कर लेना कौन सा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है या अंडर एडिशन है. अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हो तो इसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप, मतलब हाफ होगी ना, चार प्रॉपर्टी टोटल है तो इसकी ये, बल्कि हमने उसमें चैप्टर में करेंगे, उसमें चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है, सेकंड चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टी को डिटेल से बताया गया है. साथ फील्ड भी है, और फील्ड भी दरअसल इसमें ही आता है आगे फर्दर ना. तो अब ये देखें, ये प्रॉपर्टीज होगी, ये जैसे प्रॉपर्टी सारी हमने देखी है एडिशन में, यही सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होंगी. ये देखें, किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर उसी नंबर में. वन को टू से मल्टीप्लाई करो आंसर उसमें, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो सिक्स आंसर उसमें. एसोसिएटिव उसी तरह तीन नंबरों को मल्टीप्लाई करने से,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको बताया कि अगर वन को किस सॉरी ए को किससे मल्टीप्लाई करें जवाब ए ही रहे वो वन है, इसका मतलब आ गया हमारे पास उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, अभी आपको बताया था अगर वन ओवर सेवन है तो उसका सेवन होएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वन आना चाहिए। अगर हमारे पास है माइनस वन ओवर सेवन तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस वन ओवर सेवन या माइनस वन ओवर सेवन, ये देखें माइनस वन ओवर सेवन है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स क्या होगा, माइनस सेवन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और सेवन से सेवन कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास आना चाहिए वन। तो उसके बाद इसी तरह हमारे पास इसका भी कमोटेटिव लॉ, कमोटेटिव लॉ में हमारे पास वही ए और बी को आपस में ज़र्ब दें जो आप किसके बराबर आए, बी और ए के बराबर। फिर इसके बाद कमोटेटिव लॉ भी हो गया, फिर होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है यूज और एडिशन भी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वैसे बोलते हैं हाँ ये लिखा हुआ है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखा हुआ है। अगर बाएं तरफ से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर तो हम उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर राइट साइड से हो रहा हो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बेसिकली इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ भी बोलते हैं लेकिन जो जनरल नेम है ना उसका है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमने करना क्या है, उसमें एडिशन भी होती है, एसोसिएटिव लॉ ही होता है। ये देखें एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन दरमियान में प्लस ही, अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, दरमियान में प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इधर अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, ए सी आ गया दरमियान में प्लस, फिर बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, ये हमारे पास इसके लॉज हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद ये हाँ ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में पूछते हैं अक्सर, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब रिफ्लेक्शन से है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्स अगर ए है तो ए का जवाब ए ही आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्डर पेयर ये वाले 2 2 3 4 1 1, तो मैं कहता हूँ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपने देनी है, तो उसने इधर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में लिखा है ए इक्वल टू ए ही आ जाए। अब ये देखें ए का आंसर इक्वल टू ए आ गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए का आंसर ए ही आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब उसका अक्स ही आए जिसमें सेम एलिमेंट्स आ जाए। ठीक हो गया, सिमेट्रिक में हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, अगर हमारे पास ये 1 2 आ रहा है तो इसका सिमेट्रिक भी आना चाहिए, 2 1 भी आना चाहिए इस सेट में जो भी उस वो सेट देता है हमें, तो अगर ये 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ये देखें अगर ए बी है देन बी ए बी होना चाहिए, जैसे ये आपको बताइए एग्जाम्पल 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए उस सेट में। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर कहता है ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं, अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर 2 है तो ये भी 2 है, अगर बी 2 है तो सी भी 2 है हमारे पास, तो इसका मतलब ए और सी भी 2 2 ही हैं, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ वन ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो, वो ऐसा सेट हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये नीचे लिखा हो शायद, नहीं इसमें नहीं है, इसमें तीन प्रॉपर्टी है। फिर आगे एडिटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है कैसे करना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, कैंसलेशन लॉ हो गया प्रॉपर्टी।
फिर आगे ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ये भी, ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे के सारे आपके हैं एमसीक्यूज, और ये पेपर में काफी मरतबा आ चुकी हैं ये प्रॉपर्टीज, स्पेशली ये जो अभी तीन पढ़ी हैं, ये वाली और ये ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास वही उसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ी है ना प्रॉपर्टी। अब कहता है कि अगर ए छोटा है बी से, और साथ इधर बोलता है बी छोटा है ए से, तब ए बराबर होगा बी के। अब ये देखो ना, अगर कहता है ए छोटा है बी के, बी छोटा है ए के, तो ए बी के बराबर ही होगा, वो उससे भी छोटा है वो उससे छोटा है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर। ये देखो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कौन सा है रियल नंबर का, आइदर ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन, सॉरी ए लेस देन बी, फिर ए ग्रेटर देन बी। फिर उसी तरह वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जो अभी पिछले में पढ़ी हमने, उसमें हमने इक्वल इक्वल करके पढ़ा था हमने, अब इसमें हमने इनक्वालिटीज चैप्टर 5 फिनिश, सॉरी चैप्टर 5 फिनिश हो गया। हाँ जी ठीक है ठीक है, चैप्टर 6 है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है सर, इसे पूछिए ये कहाँ पे था। ठीक है ठीक है, पूछते हैं हाफिज साहब बाद में पूछते हैं, अभी ना मैं अभी अभी आया दरअसल। ठीक हो गया, कहते हैं अभी हमने एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी ना, ए इक्वल टू अगर बी है, बी इक्वल टू सी है, तो तब क्या लिखते हैं हम, ए इक्वल टू सी। अब ये देखे ये इसमें वही काम, अगर ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब ये देखें अगर ए बी से बड़ा है, और ये एंड की अलामत होती है, ये वाला जो साइन होता है ना ये एंड की होती है, ये और की होती है, बी उल्टा उल्टा बी होता है हमारे पास एंड की अलामत, मतलब और जिसको बोलते हैं उर्दू में, ये उल्टा वी जो सॉरी सीधा वी जो होता है उसको बोलते हैं और, जिसको हम बोलते हैं या, मतलब इसका डिफरेंशिएट आप ऐसे करते हैं, अली और उमर कल लाजमी अकेडमी आएंगे, इसमें अली या उमर अकेडमी आएंगे, मतलब उनमें से कोई भी एक चला गया तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये भी दूसरी चैप्टर में बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा इसका ना। तो इसमें हमारे पास है लॉजिक से, बेसिकली ये लॉजिक होते हैं, तो और का मतलब दोनों जाएंगे तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अगर दोनों में से एक भी चला गया तो प्रॉपर्टी नीचे वाली सेटिस्फाई होगी। अब ये देखें ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है, मतलब मैं कहता हूँ अली उमर से बड़ा है, अली बड़ा है उमर से, और उमर बड़ा है हमजा से, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि उमर हमजा से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, अली से, तो इसका मतलब अली किससे बड़ा होगा, अली हमजा से भी बड़ा ही होगा, क्योंकि अली अगर हम उमर से बड़ा है तो वो हमजा से भी बड़ा हो गया, क्योंकि हमजा उमर से बड़ा है, ओ सॉरी उमर हमजा से बड़ा है। तो इधर से ये देखें A greater than B and B greater than C, then A greater than C, यही प्रॉपर्टी आप ध्यान में रख लेना, अगर इसकी जो नोटेशन है ये लेस देन में हो तो एंड पे लेस देन आ जाना है, अगर ग्रेटर देन में हो तो ग्रेटर देन में, अगर इक्वल टू में हो तो इक्वल टू में। अभी पीछे प्रॉपर्टी पड़ी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, A बराबर B, B बराबर C, then A बराबर C, अगर A greater than B और B greater than C, then A greater than C, अगर a लेस देन b एंड a b लेस देन c, तो a भी किससे छोटा होगा, c से। ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पेपर में आ जाती है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ना, आती तो ये ट्रांजिटिव भी है लेकिन ज्यादातर पेपर में यही आई है प्रॉपर्टी ना एमसीक्यूज में। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसमें, मतलब आपको पता है मैथ में ये रूल है, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है वही आपने राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। ये देखें जैसे ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर आप सी एक नंबर एक और ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, ए प्लस सी बी प्लस सी, जो आपने मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है वही आपने राइट हैंड साइड पे ऐड करना है।
इसी तरह जो आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है, मतलब अच्छा अभी ये एग्जांपल्स आ गई हैं। एग्जांपल नंबर 6 आपको सामने कहा था, कहते हैं सपोज ये करना है ए ओवर बी और सी ओवर डी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की है ना, ये प्रीवियस अभी प्रॉपर्टीज, उन्हीं प्रॉपर्टीज को कहता है अप्लाई करके तो ये प्रूव करें। तो अब ये देखिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आपको पता है वन हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यही थी ना, ए को अगर वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब ए ही रहे। तो ये देखें ए ओवर बी को वन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, वन को ए सी ओवर डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब तो वही रहेगा। तो फिर आगे अब ये देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसने मतलब इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने अपनी तरफ से सपोज करके ना वो चीज प्रूव करनी है दूसरी। ये देखो अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसने यूज कर लिया, अब इसमें उसने ए बी और डी है, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे थे, हमारे पास नंबर आ रहे थे ए बी सी और डी, एक तरफ उसने क्या कर लिया कैंसलेशन लॉ जो लगाया है, सॉरी कैंसलेशन लगाया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वन की जगह लिख सकते हैं डी से डी कैंसिल हो गया तो वन आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया तो वन आ जाएगा, तो ये डी ओवर डी आ गया, इधर से बी ओवर बी आ गया। अब इधर से हमारे पास देखें ए और डी और इधर से हमारे पास बी और सी, नीचे दोनों के क्या है सेम ही नहीं है, बी और डी बी और डी बी और डी से कैंसिल हो सकते हैं। ये देखें अब ये काम किया क्यों था, क्योंकि इधर हमने डी लेके आना था और इधर हमने बी लेके आना था इसके साथ, इसलिए इसको डी के साथ मल्टीप्लाई किया था और इसको बी के साथ, नीचे वाला पोर्शन सेम हो जाए तो ये कैंसलेशन लॉ से आपस में कैंसिल हो गया, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी। तो कन्वर्सली जब कहते हैं ना कन्वर्सली, मतलब यहां से फिर हमने पीछे ये वाले स्टेप ऊपर लेके जाने हैं, कन्वर्स जब कहते हैं ना तो कन्वर्स में हमने ये होता है कि मतलब जब हमने एक राइट हैंड साइड उसकी प्रूव कर दी तो कन्वर्स में हमने वही राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी। अब ये देखें अब ये पोर्शन आ गया, इस पोर्शन को हमने यही पुराने स्टेप, वो देखो पुराने स्टेप ए से डी ए डी इक्वल टू बी सी, प्रीवियस स्टेप क्या था वन ओवर ये वाला, फिर उससे प्रीवियस स्टेप क्या था लैदा लैदा वाला, उससे प्रीवियस स्टेप क्या था क्लोजर ला, वो आपस में जब कैंसिल करते थे, मतलब सारे का सारा हमने प्रूव करके एट द एंड हमने किधर आ जाना है वही पॉइंट पे जहां से हमने शुरू किया था ए ओवर बी सी ओवर डी पे। कन्वर्स में हम हमेशा याद ये बात रखनी है, कन्वर्स की एग्जाम्पल आपके पास बेहतरीन ये भी है, जैसे आप लिखते हैं, लिखते नहीं बल्कि सीढ़ियां जो है, आपने छत पे जाना है तो छत पे जाने के लिए आप मतलब कौन सी चीज स्टेयर यूज करते हैं, स्टेयर यूज करके आप छत पे चलेंगे, आपने दोबारा फिर वापस भी आना है नीचे, तो वही स्टेयर वही स्टेप आपने यूज करने, स्टेप जो मतलब वो जिसे आम जबान में हम पौडे कहते हैं, ठीक है ना, तो वही स्टेप आपने यूज करके आपने नीचे भी आना है, इसी तरह जो स्टेप यूज करके आप ऊपर गए थे वही स्टेप यूज करके आप दोबारा नीचे भी आ गए, क्योंकि आजकल सर्दियां सर्दियों में छत पे सोना मना होता है। ठीक हो गया।